गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी फ्लॉगर्स। और सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और आज सैटरडे का दिन, तो मैं जा रहा हूँ मैच खेलने। ऋतु भी सो रही है तो चुपचाप मैं निकल गया घर से मैच खेलने के लिए। आज सोचा है रिकॉर्डिंग करेंगे, एक और मैच की रिकॉर्डिंग किए थे लेकिन उसमें कुछ खास था नहीं। देखते हैं आज अगर मैच अच्छा रहा तो उसका पूरा कवरेज चैनल पर डाला जाएगा ताकि आप देख सकें, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि गोप्रो से कि अपनी बैटिंग और मैच थोड़ा रिकॉर्ड करके डालो। तो देखते हैं आज हुआ, तो आज पूरा रिकॉर्ड करके पूरा मैच डाला जाएगा दोस्तों आप सबके लिए। मैं कैसे बताएगा? हाँ थोड़ा ड्रेसिंग रूम एनवायरमेंट भी तो है। अच्छा सुनो, जो जो अभी जा रहे बैटिंग करने, अपना अपना सोच के जाना, लंबा खेलना है, 30 ओवर का मैच है, एटलीस्ट 30 रन सबसे एक्सपेक्ट करते हैं। तथा अच्छे आराम से खेलो, जबरदस्ती बेकार पर खेलने का बुरा है। उसके लिए हमें उसके लिए सबसे मैं रेडी एवरीवन, वेलकम कमिंग राइट अब आउट टू कंटिन्यू। वेट वेट वेट, लेग नहीं 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 हल दौड़ने की जरूरत नहीं। बोल तू, तुम डराते हो, भाग मत जाना। अभी वाला का तो उतना पेस नहीं खेल सकता आराम से, लेकिन थोड़ा देख के लुलु पुच्चू बॉल पे जल्दी आओ। हाँ वही वही, बोला गई लगा ठीक से नहीं था ना। हाँ नहीं लगा था, बस इतना ही काफी है। चौका ही चौका, पीछे पीछे दौड़। लग रहा उसमें से ज्यादा जल्दी बन गया, देखते हैं। ऐसा चौका था, थक्का नहीं आ रहा। अपना 8 ओवर में 100 के ऊपर 100 सीधा, ठीक है। Hey!
और 50 हो गया ऐसे ऐसे हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा जो 300 का रिकॉर्ड बनाया था ना हम लोग के खिलाफ। हाँ। वो वापस तोड़ हमारा रिकॉर्ड तोड़ा था। शॉट है, वाह आइए स्क्रीनशॉट ले लो, स्कोर का स्क्रीनशॉट। अच्छा नहीं, कितनी बॉल पे हुआ, कितनी बॉल हुआ उस पे, वो डालना पड़ेगा चैनल पे। आइए आइए वो पेस है नहीं होता है पीछे आके आराम से। अरे यार बस भाई वीडियो के लिए इतना नहीं 5.5 14 बॉल में 50 14 पे था क्या, इसलिए बोले अरे वो इससे ऊपर लग गया, यहाँ पे लग गया, कैच नहीं लगा बोल के मैं बोल रहा था कैच नहीं लगा, ये नई नई टीम है कैच नहीं लगी। दोस्तों इस तरह से मेरा विकेट गिरा, मुझे उम्मीद नहीं थी कितना हाई कैच फील्डर लेने का, लेकिन उसने ले लिया। खैर मेरे आउट होने के बाद शशांक भाई और सार्थक भाई क्रीज पे आए और उन्होंने सूझबूझ भरी पारी खेली, विकेट को काफ़ी देर तक संभाल के रखा, साथ में रन की गति भी अच्छी बना के रखी, दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला, पिच पे टिके रहे जैसा कि आप देख सकते हैं। सोचा था कि दोस्तों पूरा मैच रिकॉर्ड करूँगा लेकिन इतना दूर से सही से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने जितना हो पाया उतना ही रिकॉर्ड किया। खैर सार्थक भाई 50 मार के आए हमारी टीम के कैप्टन, उन्होंने कप्तानी पारी के लिए कैप्टन नॉक बढ़िया खेले सर। उसके बाद शशांक भाई भी 50 मार के बढ़िया खेले, शशांक भाई विंग की तरफ वापस आ गए, इन्होंने काफ़ी अच्छा गेम खेला, बढ़िया यार 35 के ऊपर ही आउट हुए होंगे 40 के बाद 40 ना 40 ऑफ ऑफ शॉट बहुत जबरदस्त है ना, कोना बढ़िया बढ़िया बैटिंग भाई भी 50 मार के आए, लड़ा दो टोटल 50 बढ़िया बैटिंग राजेश भाई 450 ऑफ द मैच, उसके बाद क्या बात है बाद में ऋषभ भाई आउट हुए, ऋषभ भाई मैच की 450 मारी, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बैटिंग 54 हो गई हमारी टीम भी, जैसा कि आप बहुत ही स्वीट परिवार बल्लेबाजी, जैसा कि आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं दोस्तों टीम के लिए पूरी 4 50s आई हैं और 140 आई हैं, स्कोर काफ़ी अच्छा है बट सामने वाली टीम को कम नहीं आंकना है, टूर्नामेंट मैच है, जितना जल्दी हो सके इन लोग को आउट करना है, अगर रद्दी टीम है तो रद्दी के तरह हराना है, ये नहीं कि खेल रहे हैं 160-170 बना लिए इधर फील्डिंग मिस हो रहा है, ये सब कुछ करना नहीं है, प्रॉपर बैकअप रखना है, थ्रो फेंकेंगे बैकअप ध्यान रखेंगे जो जो है फील्डर्स, और बॉलर्स लोग सिर्फ ऊपर रखो, जितना ऊपर रखोगे उतना ये लोग का एज वेज कम लगेगा, कैच उठाएंगे कैच मिलेगा, ठीक है। ओपनिंग कर रहा है नंदू और साथ में सत्यम करेगा तो, और कीपिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा काफ़ी स्टंपिंग का आज। दोस्तों उसके बाद बॉलिंग का समय आया, बॉलिंग की शुरुआत की नंदू हमारे मेन बॉलर हैं टीम के, और छोटे रनअप से बहुत तेज़ बॉल फेंकते हैं तो बैट्समैन को समझ नहीं आता कि
तेज बॉल आएगी धीमी आएगी और बॉल पड़ती है स्किड बहुत करती है तो टाइम भी नहीं होती सही से। और हमने सोचा था कि इनको जल्दी आउट करेंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, तो हम लोग ज़्यादा फील्ड करने के मूड में थे नहीं। तो फिलहाल इसको फॉलो करते हुए नंदन ने पहले विकेट में ही कैच आउट करा दिया और पहला विकेट निकाल लिया। उसके बाद दूसरे सूर से मैंने बॉलिंग शुरू की, मेरी बॉल ज़्यादा सही से पड़ गई तो मैं स्टार्टिंग में बॉलिंग करता भी नहीं हूँ, लेकिन आज कप्तान ने कुछ सोच के मुझे नई बॉल थमा दी और मैं बॉलिंग करने लग गया। कुछ टाइम लगा लय में आने में लेकिन फिर ठीक ठाक बॉल पड़ने लगी, एक कैच भी मिस हुआ पहले ओवर में ही बॉलिंग में मेरी। उसके बाद नंदू ने दूसरे ओवर में आते ही इतना खतरनाक बोल मारा बैट्समैन को हवा नहीं लगी, सब देख सकते हैं बॉल पड़ी और बैट्समैन पोजीशन में आ सके इसके पहले ही घुस गई और लेग स्टंप काट के ले गई। 1 2 3 जय श्री राम। ऐसे करते करते हम लोगों ने काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, बैट्समैन को ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहा था, बॉलिंग का तोड़ नहीं था बैट्समैन के पास। और ये विकेट तो सबसे लाजवाब था मैच का दोस्तों, ऐसी बॉल फेंकी नंदू ने कि बैट्समैन को समझ ही नहीं आया क्या हो गया उसके साथ। ऐसी यॉर्क तो हमारे बैट्समैन थोड़ा सा आगे निकला क्रीज के, सोचा छक्का मारने का ट्राई कर, छक्का मारने के लिए थोड़ा आगे निकला और बॉल पूरी घुस गई, यॉर्क हो गई और बोल्ड हो गया बुरी तरह से। और बैटिंग अंगा में मैंने भी हाथ धो दिया, मैंने सोचा मैं भी एक विकेट निकाल लूँ। एक पहला कैच मिस हुआ, उसके बाद दूसरी बॉल फिर वहीं गई और कैच पकड़ लिया कि आप देख सकते हैं। विपक्षी टीम पे 4 विकेट गिर गए थे दोस्तों बहुत जल्दी ही और ज्यादा रन भी नहीं था तो इन पर प्रेशर आ रहा था। इन्होंने काफी देर तक संभल के बैटिंग करने की कोशिश की लेकिन रन नहीं बना रहे थे, रन नहीं बनाने की वजह से दबाव बहुत ज्यादा आ रहा था। तो फिलहाल दबाव को रिलीज़ किया अंकित भाई ने, अंकित भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उन्होंने आए कुछ देर बाद बोल्ड मार दिया बैट्समैन के साथ, देख सकते हैं कैसे बोल्ड हुआ एकदम अक्रॉस खेल गए और बॉल घुस गई स्टंप में और वो आउट हो गया। उसके बाद अंकित भाई ने दूसरा विकेट फिर से निकाल दिया, इस बार बॉल सीधी रह गई लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से लाइन मिस कर गए और बोल्ड हो गए दोस्तों। उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला चलता रहा, ऋषभ भाई आए, ऋषभ भाई हमारे सबसे अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने बॉलिंग शुरुआत की और बैट्समैन को LBW आउट किया और 7वां विकेट गिर गया। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कैसे आउट हुआ बैट्समैन, बॉल पड़ी सही जगह पड़ी, थोड़ा बैट फुट पे आ गए बैट्समैन और बॉल करके पैड पे लग गई और वो LBW आउट हो गए। ऋषभ भाई ने 1 विकेट लिया, उसके बाद दूसरा विकेट भी तुरंत ही ले लिया और ये भी LBW आउट था, देख सकते हैं आउट। 8 विकेट ऐसे गिर गया। उसके बाद दोस्तों फिर 9 विकेट भी गिरने में देर नहीं लगी, पल्लव भाई आए बॉलिंग करने और पल्लव भाई ने बोल्ड मार दिया बैट्समैन से, जब देख सकते हैं दोस्तों टेलेंडर थे तो उनको ज़्यादा आउट करने में दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों 8-9 विकेट के बाद हमारी टीम थोड़ी सी ढिलाई बरत दी, हमारे बॉलर्स एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए जिससे कि 9 विकेट गिरने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं फास्ट बॉलर भी स्पिन करने लग गए थे एंड में और धूप बहुत ज़्यादा थी तो रोटेशन बहुत हो रही थी क्योंकि दोस्तों 1 विकेट ही बचा था और वो आउट नहीं हो रहा था और ना ही रन बन रहा था, तो हम लोग एकदम झल्ला गए थे दोस्तों। फिलहाल आखिरी विकेट के लिए इन्होंने करीब 30 रन जोड़ लिए और आखिर में शशांक भाई ने वो लास्ट विकेट निकाला और इनकी टीम कुल मिला के 118 रनों पे ऑल आउट हो गई। इस तरह से हम लोग करीब 220 रनों से ये मैच जीत गए। आप देख सकते हैं दोस्तों स्कोर कार्ड, ये पूरा बॉलिंग स्कोर का स्कोर कार्ड है और ये फॉलो अप विकेट है। अच्छा था, बहुत अच्छा था। सराहनीय, सराहनीय। राजेश का तो कुछ ज्यादा ही, गजब का एफर्ट है फील्ड में, सब सीखना चाहिए इंक्लूडिंग में। चलो 1 2 3 जय श्री राम।
दोस्तों मैच खत्म हो गया है, अभी सब लोग निकल गए, मैं भी निकल गया हूँ और ट्रैफिक में फंसा हुआ है बेंगलोर के। दोस्तों आप बताइएगा जरूर आपको मैच का ये कवरेज कैसा लगा, काफ़ी अच्छा मैच हो गया, मतलब ये तो मतलब गोप्रो भी ले गए और मैच भी अच्छा हो गया, अच्छा खासा वीडियो आ गया है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कवरेज कैसा लगा और आगे भी आप अगर ऐसे मैचेस देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए मुझे। उसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको अगले मैच के बाद, बने रहिए हमारे साथ।